हेलो बच्चों, नमस्ते। आज फिर से जीओसी पार्ट थ्री यानी कि जीओसी पार्ट टू में भी हमने रेजोनेंस के बारे में बात किया था, बट वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी और यहाँ पे अब हम रेजोनेंस इफेक्ट देखने वाले हैं और उसका ही मिलता जुलता एक दूसरा रूप आपको कई बार मिलेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये भी इसके जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो बताएंगे, डेफिनेशन से बताएंगे और एग्जांपल से बताएंगे कि थोड़ा सा डिफेक्ट क्या है ना, क्या अंतर है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। हाँ, देखो उसका परिभाषा से भी इसको कंसेप्ट को पूरा कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको पता है ऑल मीजोमेरिक, ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट आर नॉट रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस आर कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ये थोड़ा सा फर्क होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सभी मीजोमेरिक इफेक्ट्स रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होते, बट सभी रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो कैसे, एग्जांपल से समझाएंगे। पहले आप रेजोनेंस इफेक्ट जो है और मीजोमेरिक इफेक्ट है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो इनमें आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। बेंजीन की ही हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ये आपके पास बेंजीन के ही दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन की हैं, ऐसा लगता है बेंजीन की है और बेंजीन की है वास्तव में भी, तो फर्क क्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें हुआ है बॉन्ड ओरिएंटेशन चेंज, यानी कि आपका बॉन्ड ओरिएंटेशन बदला है। क्या बदला है? बॉन्ड ओरिएंटेशन बदला है, बंद की सिक्वेंस बदली है। ये भी जैसे इसका फर्स्ट और ये सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से यहां में परिवर्तन देखो हुआ क्या है, पाई बॉन्ड की स्थिति बदली है ना। जैसे इधर पाई बॉन्ड है वो इधर नहीं है, यानी कि अपनी स्थितियां बदली हैं। अब इनमें होता क्या है, देखो रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक ही कंपाउंड के अंदर होता है। इट मीन्स बाहर से कोई चार्ज आता जाता नहीं है ना, ऐसे प्रकार का चार्ज जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के कंपाउंड में यहाँ पे विचरण करते रहते हैं। ठीक है, विस्थापित होते रहते हैं, शिफ्टिंग है ना। और दूसरी बात, परमाणु कभी अपने स्थान से चेंज नहीं होते, परमाणु अपने ही स्थान में होंगे और हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो है वो ही आपस में कन्वर्ट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना इस बात का, कभी भी है ना, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर में यहाँ पे भाग ही नहीं लेगा, सिर्फ पाई या ये। आपको कई कंडीशन भी दी रखी है, आपको पता है पाई सिग्मा लोन पेयर या आपका लोन पेयर सिग्मा या पाई, बताएंगे आज। इसी प्रकार के कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे बात करने वाले हैं, या आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम थे जो अपने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कंजुगेशन सिस्टम के बारे में। अभी भी देखो एक और भी देख सकते हैं, जैसे आपका नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन के बारे में यहाँ पर भी आपको शायद ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये आपका नाइट्रो एल्केन की स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी जैसे ये आपका माइनस है, माइनस का अर्थ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बनाता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके माइनस चार्ज ला देगा। हो क्या रहा है, यही तो बात है, यही तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, बट चार्ज इसका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस चार्ज था वो ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट, और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर माइनस चार्ज बना रहा है, लोन पेयर इसके पास आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको शायद रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी कहा था मैंने लास्ट पार्ट में कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल, क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और हाइपोथेटिकल का क्या अर्थ होता है, हाइपोथेटिकल का अर्थ है ये सब जो केमिस्ट्री के अंदर हम संरचनाएं पढ़ रहे हैं ना आत्मसंतुष्टि के लिए, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा रियल होता कुछ नहीं है,
कि ऐसा ऐसा कुछ होता होगा, हम बेंजीन को उठा के माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको इस प्रकार से 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या देखो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि काल्पनिक स्ट्रक्चर ही सारे। बट अब हम ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपको बताया कि किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको लास्ट पार्ट में दी। अब अपन कुछ प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ प्रकार पढ़ने वाले हैं ना, ये उतार लेना आप लोग पॉज करके एक बार। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट को हमने कहा दो प्रकार का है, इसको आगे जाके दो प्रकार से बांट देंगे इसको। ठीक है, दो प्रकार से कैसे, इन दोनों को ही दो प्रकार से बांटा जा सकता है, फिर इनके अनुनाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दो प्रकार से कैसे। एक आपका प्लस आर या इसको प्लस एम, या इसको माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। ये क्या है, कैसे प्लस आर और प्लस एम जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि यदि आपके बेंजीन वाले या कोई सब्सटीट्यूएंट, आपका जो सब्सटीट्यूएंट है जो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है ना, डोनेटिंग ग्रुप है। जबकि ये वाला कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है ना। इसके जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, ये ऐसे कौन से एग्जांपल होते होंगे, जैसे आपका NH2 समूह, यानी कि ये एनिलीन बना देता है, आपको पता है। ये आपका क्लोरो ब्रोमो, यानी कि आपके हेलोजन एटम जिसमें सारे हैं। उसके अलावा OH, उसके अलावा SH, कौन सा ग्रुप आ जाएगा SH, और अमीन्स आपकी प्राइमरी सेकेंडरी है ना, इस टाइप के इसके अंदर कुछ एग्जांपल आते हैं जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींच ले या आपके कोई भी हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता हो, वो होगा आपका माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। जैसे कि आपका COOH समूह, जैसे कि आपका SO3H, जैसे कि आपका CN, जैसे कि आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, वेंजेनमाइड है, उसके अलावा आपका NO2 ग्रुप है। ये सब ऐसे ग्रुप है जिनकी वजह से माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगता है। ठीक है, अब ये तो ग्रुपिंग है क्योंकि सबकी तो बता नहीं सकते, अब एक एक दो दो की बताएंगे कि माइनस आई पर माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट कब लगता है, राइट, स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रॉपर। ये तो जैसे एग्जाम्पल था, आपका कारण बताया कि कब तो आपका प्लस आर लगेगा और कब माइनस आर लगेगा, यानी कि वो ग्रुप जो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि जिनकी वजह से बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो भैया इसको समझने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में भी एक बार बताया था स्ट्रक्चर को, यहाँ पर समझना पड़ेगा एक चीज कैसे, जैसे कि इसके इफेक्ट समझने पड़ेंगे। यानी जैसे मान लो आपका फिनोल है, तो फिनोल के केस में ये पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, ऑर्थो का पड़ोसी आपका मेटा होता है और ये इसके पैर लगे हुए हैं नीचे। ठीक है, आर्म्स मेटा इसका पैर, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, इधर से भी ऐसा ही होता है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन। यानी कि हम जो ये अनुनाद देख रहे हैं, जो हम रेजोनेंस देख रहे हैं, रेजोनेंस क्या है, अनुनाद प्रभाव है आपका, तो इसके अंदर अपन को देखना जो चीज है वो आपको पता, ऑर्थोमेटा पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही देखना चाहते हैं, यानी कि कब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि बेंजीन वाले पर जो आने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वहां पे अपने को बहुत ये काम की देगी, तो ये स्ट्रक्चर देगी। अच्छा, जो स्ट्रक्चर जो वहां पे दे रहे हैं हम, वो दे रहे हैं जो बोर्ड में, यानी कि 12th बोर्ड में, चाहे वो कोई सी हो, RBC हो, CBSE हो, 12th बोर्ड में ज्यादातर पूछी जाती हैं या आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जिनके पूछने के एग्जाम में चांसेस होते हैं। जैसे हम सबसे पहले आपके ले लेते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट दर्शाने वाली रेजोनेंस संरचनाएं, स्ट्रक्चर, प्रभाव। जैसे आपको दिख रहा है, ये आपका हमने लिया है, कौन सा प्राणी लिया है, ये फिनोल, क्या नाम है इसका, फिनोल। ठीक है, फिनोल ले रहे हैं अपन,
और इसकी देखना चाहते हैं अनुनादी संरचना, रेजोनेंट स्ट्रक्चर प्लस आर प्रभाव और एम प्रभाव के बारे में देखोगे। आपको शायद आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो ग्रुप लगा होता है उसके लोन पेयर प्रदर्शित करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। तो दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, कुछ मिल जाए पता नहीं। तो देखो ये क्या, अगर आपने दोनों लोन पेयर देखो, अभी जो आपको सिस्टम बताया था आपको याद है जस्ट फॉर कि पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो हमको वही देखना है जहां पे चेंजेज होता है, पूरी स्ट्रक्चर को नहीं देखना, जहां पे इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है उस पे ही फॉलो हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर थे, अब एक ही बच रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि अब यहाँ पे बॉन्ड एक की बजाय दो हो गया, राइट। और रिंग में कहाँ परिवर्तन हुआ? रिंग में हुआ चेंज, यहां से आपका पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी कि ऑर्थो स्थिति पे नेगेटिव चार्ज आ गए। बाकी जो आपके दो बॉन्ड थे वो ऐसी ऐसे कैसे पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं क्या चेंज हुआ है वो। अब अगले स्टेप में चेंज क्या करना है, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आबू ये यहाँ पे पड़ोसी कार्बन के साथ, मतलब पहले ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाता था, अब ये चार्ज इकट्ठा होगी यहाँ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ऐसे करने से आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अब इन पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। कहाँ पे? यहाँ पे पैरा पोजिशन पे। तो अगली जो आपकी स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, जहां पे परिवर्तन होता है वहीं फोकस करो, पूरी स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करो। पूरी स्ट्रक्चर में देखो ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये आपका ये वाला बेंजीन वाला है जो है कार्बन के साथ, हुआ क्या आपका ये प्लस चार्ज है, लोन पेयर है एक, ये माइनस चार्ज की वजह से बना यहाँ पे पाई बॉन्ड, राइट। ये वाला पाई बॉन्ड पहले ही था, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहाँ पेरा पे नेगेटिव चार्ज के रूप में हो रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज के रूप, राइट। ये बना आपका थर्ड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट अल्टरनेट चलते हो, ये माइनस चार्ज यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला जो आपके दो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ गए। फिर अगली परिवर्तन जहां पे आप एरो लगा के जा रहे हो ना, वहीं पे परिवर्तन देखो, सारी स्ट्रक्चर पे मत देखो, पूरी एक साथ मत देखो इसको, ठीक है। हुआ क्या नया परिवर्तन? नया परिवर्तन देखो क्या हो रहा है, नया परिवर्तन इस जो पैरा पोजिशन का जो है ये लॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज लाया। बाकी जो है इसके अंदर, बाकी जो आपका पहले से ही है वो का वो एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब लास्ट चेंजेस, लास्ट चेंजेस क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन यानी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये भैया आपका जो बॉन्ड आपने दिया था वापस ले लो, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ इसका। अब होगा क्या लास्ट स्टेप, जिसको हम इसका रेजोनेंस यहाँ पे पूरी बना, ठीक है। ये ऐसा परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो फिनोल बना ये और ये, इसमें कितना सा फर्क है, ये जो पांच इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनी है फिनोल की, उनमें कितना सा फर्क है, कितना सा है? ओनली फॉर आपके पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदली है, पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदली है। पाई इलेक्ट्रॉन पहले देखो यहाँ थे, अब दूसरी जगह आ गए, मतलब ऐसा होता रहता है, अब वापस ऐसा होगा फिर वापस अपनी जगह आ जाएंगे, है सब मनगढ़ंत कहानियां हाइपोथेटिकल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है ना, अनुनादी संरचना है ना। अब इन अनुनादी संरचनाओं से हमको सीधी सी बात यह है कि इफेक्ट मिलता है। इफेक्ट मतलब आप देख रहे हो इसके ऐसा प्लस आर जो इफेक्ट है या आपका प्लस एम इफेक्ट है, इसकी वजह से, इसकी वजह से आपके ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, राइट। इससे तो अब क्या है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो अब इसका इफेक्ट आगे इलेक्ट्रोफाइल में बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का क्या काम है, ठीक है। अब जो आपका दूसरा वाला इफेक्ट है, ऐसा हम इफेक्ट सब में देख सकते हैं आपका इसके, अब जब आपकी बेंजीन वाला के ऊपर जैसे कि OH की जगह, ये फिनोल के केस में ना अनुनादी स्ट्रक्चर, आप इसके केस में ऐसा जो हमने प्लस आर के ग्रुप में बताया कि बेंजीन वाला पे आपका NH2 समूह,
बेंजीन वाला पे आपके हेलोजन के चारों परमाणु, उसके अलावा आपका एक फिनोक्साइड आयन, क्या फिनोक्साइड आयन, उसकी स्ट्रक्चर हम बताना चाहते हैं। फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर भी बोर्ड में आ सकती है। फर्क क्या है फिनोक्साइड आयन और इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो फर्क क्या है, फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर यहीं से समझने की कोशिश करो। यू समझो फिनोक्साइड आयन में होता क्या है, ये लॉन पेयर के साथ माइनस चार्ज आ जाता है। क्या जाता है माइनस चार्ज, क्यों आता है, जैसे ये फिनोल से ही बनता है, फिनोल का एच प्लस गया तो इसने ले लिया आज इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बनेगी सेम टू सेम बनेगी, ये माइनस चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन बस फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता है, क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है। ये आपकी पहले कुछ देर पहले फिनोल की अनुनादी संरचना थी और ये अभी अभी जस्ट हमने इस पर जादू कर दिया है। और ये किसकी अनुनादी संरचना हो गई है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना हो गई है। किसकी अनुनादी संरचना हो गई है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना हो गई है। यानी कि आप यूं समझ लो जो आपका प्लस आर इफेक्ट है इसके अंदर ही डबल एरो घूमता है, यानी कि आपको दो दो एरो लगाने पड़ रहे हैं इसे ना। अब जब आप इसका माइनस आर इफेक्ट देखोगे ना, एक एरो से काम चल जाएगा, एक एरो से वो। अब ये बाकी आप सारे के सारे बेंजीन वाले पे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो और NH2 एनिलीन ये बनाकर आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, है ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और इसका कोई रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं इसका, ठीक है। अपन अब दिखाना चाहते हैं आपको माइनस आर इफेक्ट कब अप्लाई होगा, क्या माइनस आर इफेक्ट के केस में रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। माइनस में क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल दे देते हैं जो आपको मिलता रहेगा हर जगह, जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है, क्या है ये नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन वाले पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो बेंजीन, क्या है ये नाइट्रो बेंजीन। इसमें क्या है देखो, ये जो बेंजीन वाले पे डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ है और इससे जो डबल बॉन्ड है जैसे कि ऑक्सीजन, और इधर है यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा, प्लस एम में ये प्लस एम ही तो ही सॉरी माइनस एम है ना, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ये ग्रुप, कैसे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है ज्यादा ही है, कम तो है नहीं नाइट्रोजन से। तो अब नाइट्रोजन की क्या इस कार्बन से कम है, नहीं ज्यादा है, तो ये भी क्या करेगा यहाँ का जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे खींच के शिफ्ट कर देगा। तो अब देखो परिवर्तन की स्थिति क्या होने वाली है, परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ देखो, ये आपका नाइट्रोजन था, इसको तो आप कुछ किया नहीं, यानी कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था सिंगल में बदल गया, लेकिन इसके ऊपर यानी कि ऑक्सीजन के माथे के ऊपर क्या आ गया माइनस चार्ज, और ये नाइट्रोजन और कार्बन में बन गए डबल बॉन्ड भैया। अब इससे आपकी बेंजीन वाले के ऊपर कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वो शायद आपको दिख गया होगा। इट मीन्स अब आपकी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, क्यों पॉजिटिव चार्ज, और तो स्थिति पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्यों क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं यहाँ पे। तो अब काम हो गया, अब हमने दो एरो घुमाए, अब इसमें आने वाली जो आगे की स्ट्रक्चर है सिंगल एरो से काम चलेगा, कैसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बस अगले स्ट्रक्चर में ऐसा ही करना है हमको। सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, अगर लॉन पेयर ये लॉन पेयर था, इसको लॉन पेयर से बना रखा कोऑर्डिनेशन, वो तो तब आएगा जब अपन इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा देते, राइट। हुआ क्या देखो, अगले स्ट्रक्चर में कितना सा परिवर्तन है, ये आपका रिंग बन गया, रिंग में हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और इस कारण पैरा के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्यों क्योंकि पैरा कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। और कोई चेंजेस नहीं, और जैसे कि जैसे है वैसे कैसे छाप दो, ठीक है। अब नया परिवर्तन, वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब चेंज कहाँ आएगा, अब वापस से ऑर्थो के ऊपर क्या चला गया पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो के ऊपर क्या जाने वाला है पॉजिटिव चार्ज, नया बॉन्ड कहाँ बना यहाँ पे, ये पहले से बन गया था,
और ये आपका नाइट्रो समूह है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। लास्ट ये जो आपका पाई बना है वापस यहाँ पे शिफ्ट, और ये नेगेटिव आपका वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ऐसे बनाते हैं राइट। तो ये आपका बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये आपका वापस से एनोडिस। और ये हुआ क्या, वही बात, फर्स्ट और आपकी लास्ट स्ट्रक्चर में एक ही चीज नजर आती है आपको, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की स्थिति, यानी कि पाई बॉन्ड की स्थिति बदली और कुछ नहीं हुआ, वो की वही स्ट्रक्चर है ना, हम घूमे फिरे वहीं पहुंच गए, फिर आगे यहां से चलेंगे तो वापस वहां पहुंच जाएंगे ना, चलते रहते इसमें कोई रुकने का काम नहीं होता ना? तो ये है देखो एक तरह से फर्स्ट और फाइव तो एक जैसी दिख रही है अपने को, सेकंड और जो आपकी फोर्थ है वो दोनों एक ही काम करती है, यानी कि दोनों यही बता रही है कि इसकी ऑर्थ स्थिति पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि आने वाला कौन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, फाइट होगी। तो ये हम जो रेजोनेंस देख रहे हैं प्लस आर और माइनस आर, और भी इसके ग्रुप आपको लिखा है उसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल है आपके, है ना, ये सब SO3H है, ये सब आपके माइनस आर और माइनस एम प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे, माइनस आर और माइनस एम प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो ये सब ग्रुप भी आप बेंजीन वगैरह के ऊपर लगा के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतनी आती है ना, जैसे अभी अभी चल रहे थे ना ऐसे मार्क कर, अच्छा लग रहा था आपको भी, हाँ क्या बात है, कैसे कैसे बनना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब पेन को निकाल के बनाओगे ना तब तब ऐसा होगा, तब आपका पेन अटक अटक के चलेगा, कब तक, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये भैया सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ओके, अगली बात समझ में, अगले पार्ट में फिर से कुछ और लाएंगे इसी के अगले फैक्ट के बारे में या कुछ एग्जाम्पल के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।